पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बिना ही करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम है वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं, 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं, 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फार सो, अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला। कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमारा स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं, तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपए कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे, 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे।